नमस्ते भाई, मेरी प्यारी प्यारी बहन, और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट द सी सेवन टॉक्स। देखे आऊँ एक बहुत ही नया व्लॉग, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मंडे व्लॉग। और हाँ, जाते जाते लाइक कर देना, मन को बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ टॉप 10 मूवी डायलॉग विच यू कैन यूज इन रियल लाइफ विद योर दोस्त विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, नंबर 1 पे है, हाँ मालूम है, अपने बाप को मैं सिखा। चल, ये आप यूज़ कर सकते हो जब कोई आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है। ठीक है, दोबारा कह रहा हूँ, मम्मी पापा के सामने ये यूज़ नहीं करना। ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप को कोई एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है, जब आपके सामने कोई एक्स्ट्रा ओवर समान बन रहा है। और ये आप दोस्तों के सामने यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे ना ये था, वहाँ पे ना ये था, मतलब आप गए हुए हो उस जगह पे। ठीक है, और वो आप आपके बाद होके आया और कह रहा भाई वहाँ पे ना ये था, वहाँ पे ना ये था, वहाँ पे ना वो था। तो आपको बस ये करना है, ऐसे गुस्से में, हमालूम, ऐसे गुस्से में, हमालूम, मैं अपने बाप को बैठे चल ऐसे। और नंबर 2 में, अगर कोई आपकी बात ना मान रहा हो, ऑफिस में यूज़ ना करना ये डायलॉग। जिम में यूज़ कर सकते हो, स्कूल में यूज़ कर सकते हो, कॉलेजेस में यूज़ कर सकते हो, बस स्टैंड में यूज़ कर सकते हो, मेट्रो स्टेशन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन घर में यूज़ नहीं कर सकते। और आप फैमिली गेट टुगेदर में यूज़ नहीं कर सकते आप, और ये ऑफिस एरिया में यूज़ नहीं कर सकते। वो की है कि है चचा, वो चचा, क्योंकि घर में यूज़ करोगे घर वाले मारेंगे, ऑफिस में यूज़ करोगे बॉस मारेगा। तो आप यूज़ कहाँ करोगे, स्कूल में, कॉलेजेस में, बस स्टैंड में। ठीक है, और आपको ये आवाज़ आपको भारी करके बोलना है, चचा, ओ चचा। मैं कह रहा हूँ ये मैंने जिम में किया है, ये मैंने जिम में किया है। ठीक है, और मतलब सामने वाले ने देखा था मेरे को, सामने वाले ने देखा था, ये टेक्निकली प्रूवन है। नंबर 3 में, नंबर 3 में आप ये घर में भी यूज़, या हर जगह यूज़ कर सकते हो नंबर 3 वाला। वो की है, साले ये दुख काहे नहीं खत्म होता है बे, मतलब कहीं और, मतलब जब आप वो जब आपका प्रमोशन नहीं हो रहा हो, जब आप फेल पे फेल हो रहे हो, जब आप कुछ भी हो, जब आपका मूड ही ऑफ क्यों ना हो, तो आपको ये डायलॉग यूज करना है, साला ये दुख काहे नहीं खत्म होता है बे, ऐसे। और ये डायलॉग आप हर जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, और नंबर 4 में है, ये डायलॉग आप पापा मम्मी के साथ नहीं यूज कर सकते। वो इसलिए क्योंकि पापा मम्मी मारेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, और फिर यू नो द रेस्ट। और डायलॉग है ए चल चल अवे, और वो ये डायलॉग आप स्कूल में यूज़ कर सकते हो, टीचर के सामने मत यूज़ करना क्योंकि टीचर तुम्हें मार्क्स नहीं देगी। और ये कॉलेजेस में यूज़ कर सकते हो, ऑफिस में यूज़ कर सकते हो, जब तुम अकेले हो तब यूज़ कर सकते हो, बस स्टैंड में यूज़ कर सकते हो, मेट्रो स्टेशन में यूज़ कर सकते हो। और नंबर 5 में है आपका, हाँ, जब आपको कोई छुट्टियां नहीं दे रहा हो। ठीक है, जब आपको कोई छुट्टियां नहीं दे रहा हो, तब आपको ये डायलॉग यूज करना है, छुट्टियां छुट्टियां चाहिए छुट्टियां, या जब आपसे कोई छुट्टियां मांग रहा हो। ठीक है, ये डायलॉग है, छुट्टियां छुट्टियां चाहिए छुट्टियां, काम धंधा तो आता है नहीं, छुट्टियां चाहिए छुट्टियां, तो ये डायलॉग आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये भी डायलॉग आप घर में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस रीज़न, ऑफिस एरिया में नहीं यूज़ कर सकते ड्यूटी, क्योंकि ऑब्वियस रीज़न, या दोस्तों के साथ यूज कर सकते हो क्योंकि वो आपके चट्टे फट्टे हैं। और हाँ, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको किसी बात पे भी गुस्सा आ रहा है, तो आप ये डायलॉग यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, कंट्रोल होता है कंट्रोल, कंट्रोल होता है, ये आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। या यूज़ कर सकते हो आपका कॉलेजेस में, मेट्रो स्टेशन में,
मतलब ए से लेकर जेड तक सारी की सारी जगह भी यूज कर सकते हो। और जब जब आपको पता है कि आप ये काम कर सकते हो, तो अगला डायलॉग आपके ऊपर है कि डोंट डू जस्ट चिल बे। तो ये डायलॉग आप करो और काम करना शुरू हो जाओ। दोबारा डोंट डू जस्ट चिल बे। हाँ, तो नंबर 8 पे है। हाँ, नंबर 8 पे है अपना मजनू भाई का डायलॉग। जी हाँ, सही सुना आपने, सही गैस भी किया आपने, क्योंकि मजनू भाई का तो एक ही डायलॉग है, वेलकम बैक में। वैसे तो दो तीन है, लेकिन मेरा फेवरेट है सपोज करो, सपोज करो, सपोज आप किसी लड़की के पास जा रहे हो बात करने, और उस वो लड़की गजब की खूबसूरत, गजब की खूबसूरत, आपकी पहली डेट है, आपकी पहली डेट है, और आप गजब की खूबसूरत हो। लड़की, आपका पता नहीं, आपका पता नहीं, लड़की गजब की खूबसूरत, टोटा है, मतलब सही फॉर्मिंग लैंग्वेज, बवाल है, बवाल है भाई, मतलब, और आपका फर्स्ट टाइम है, और आपके कुछ लफंडर दोस्त भी है मेरी तरह, तो आप ये तो आपको ऐसे रखना है, शर्ट खोलनी है, शर्ट खोलनी है, ये तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ ऐसे, तो मतलब ये तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ, तो ये डायलॉग है। हाँ, इसमें आपका ही लॉस है इस डायलॉग में, क्योंकि लड़की आपसे पहली बार मिलने आई है, आपकी पहली डेट है, पहली डेट में वो लफंडर दोस्त क्या करेगा। और नंबर 9 में है, नंबर 9 में है ये, हाँ नंबर 9 में है। अगर सपोज करो कि हाँ, कि कोई कोई आपसे हंस खेल के बात कर रहा हो, यार हमारे लड़कों की प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, अगर कोई हम हमसे हंस खेल के बात करे ना, कोई हमारे कंधे पे हाथ रख दे, कोई लड़की हमारे कंधे पे हाथ रख दे, या तो वो हमारे साथ वो कंधा टू कंधा, शोल्डर टू शोल्डर मिला के चले, तो हमारे लफंडे दोस्त को लगता है कि इनका कुछ हो चल रहा है, ठीक है। और जो कि एक पॉइंट पर सच भी है कि आने वाले टाइम पे हमारा कटेगा ही कटेगा, ठीक है, आने वाले टाइम पे हमारा कटेगा ही कटेगा। और हाँ, डायलॉग है, डायलॉग पे आते हैं भाई, लगता है ये लड़की आपके प्यार में गिरी भाई। हाँ, तो ये मतलब यूज करोगे ना, यूज करोगे ये, मतलब यूज जब भी करोगे तब मेरे को याद करना प्लीज, तब मेरे को याद करना, क्योंकि मेरे को फुटेज लेना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये डायलॉग फिर से सुन लो भाई, लगता है ये लड़की आपके प्यार में गिर गई भाई, और हंसना, मतलब ये अपने लफंडा दोस्त के साथ ही करना, क्योंकि वो ही जानता है कि ना वो, मतलब वो ही जानता है, और लड़की क्या जानती है उसके, उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। हमको मालूम है, मेरे को मालूम है कि आपकी वो काटेगी काटेगी केक, आपके साथ वो केक काटेगी काटेगी, लेकिन खिलाएगी पहले अपने बॉयफ्रेंड को, ठीक है। और अभी 10th 10th में है, मान लो आप पबजी खेल रहे हो, मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो आपसे कोई काम हो नहीं रहा, नहीं किसी और से वो काम हो नहीं रहा, तो वो सोचेगा कि किसको दूं किसको दूं किसको दूं किसको दूं, ठीक है, वो सोचेगा किसको दूं किसको दूं। आपको बोलना है व्हाट से, व्हाट से, अभी हम जिंदा हैं, ये वाला डायलॉग, तो वो काम आपको ये दे देगा। हाँ, सोच रहा हूँ एक और डायलॉग दे दूँ, दे दूँ, दे दूँ पक्का। हाँ, अगर आपको किसी लड़की का लव लेटर है, मेरे को आया नहीं है वैसे, मैं सिंगल ही मरूंगा मेरे को पता है, और अगर आपको किसी लड़की का लव लेटर है, तो आप अपने यार दोस्त के साथ हो, और उस वक्त किसी लड़की का आपको लव लेटर आए, तो आप ये बोलोगे, परिवार सोना,
मैं नहीं दिखाऊंगा परिवार सोना, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो ये थे मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा टॉप 11 डायलॉग जो आप अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्त के साथ बोल सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शब खैर, बाय बाय, और हाँ नमस्ते।